हेलो हेलो। मौलाना साहब, जो ये मोनू मानेसर था, जो इसमें मुख्य आरोपी था नासिर जुनैद मर्डर केस में, इसका नाम अचानक से इस लिस्ट से हटा दिया गया है, आरोपियों की लिस्ट से। और बताया ये जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं मोनू मानेसर की अमित शाह के साथ, तो अमित शाह ने ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार पर ये दबाव बनाया है, और उसके बाद गहलोत सरकार ने इनका नाम लिस्ट से निकाल दिया है। कुछ बताएंगे इस बारे में आप हमको? जी, जो मोनू मानेसर है जुनैद नासिर हत्या कांड में, वो अब तक तो आरोपी था, जी लेकिन जो राजस्थान सरकार ने आरोपियों की लिस्ट जारी की है उनकी तस्वीरों के साथ, तो जी उसमें इनका नाम नहीं है। जी तो इस बारे में जो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जी लोग अलग अलग अंदाजे और कयास लगा रहे हैं कि जी आखिर क्या कारण है, जिस शख्स को अब तक मुख्य आरोपी बताया जा रहा था अचानक से उसका नाम इस पूरे केस से गायब कैसे हो गया। जी तो इसके पीछे जो चीजें जो सामने आई हैं, क्योंकि जी मोनू मानेसर की जो पहुंच है और उनकी जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, जी वो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, यहाँ तक कि अमित शाह है जी और अनुराग ठाकुर है, जी इसके अलावा और भी कई मंत्रियों और नेताओं के साथ जी उनके यानी जो ताल्लुकात रिश्ते हैं वो बड़े गहरे हैं। जी तो इसी लिए ये भी एक अंदाज लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया हो। और जी सबसे बड़ी चीज तो जो सबके सामने है, महापंचायत हुई है जिनमें जी साफ तौर से राजस्थान पुलिस को भी धमकी दी गई कि जी अगर जी वो इनके घर पर छापे मारती है या इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है जी तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। जी तो अमित शाह का इस मामले में कितना दखल है, ये चीज जी तो यानी साफ तौर से सामने नहीं आई है, जी लेकिन इनका जो जाहिरी तौर पर जो इनका असर है, क्योंकि इनकी फोटो उनके साथ भी है, जी तो इसलिए ये तमाम चीजों का इनका इम्कान है। यानी कि मतलब मौलाना साहब, ये चीज़ एक बहुत ही मतलब ताज्जुब की बात है कि एकदम से नाम हटा दिया गया। पहले तो राजस्थान सरकार और पुलिस दोनों इस पर एक्शन लेने की बात कर रही थी, लेकिन एकदम से ये नाम इसका लिस्ट से हटा देना, ये इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोग शक के दायरे में जा रहे हैं, इस वजह से मतलब ऐसा लग रहा था जी हमको। जी इस पर जो काफी सवाल है वो उठ रहे हैं जी और हर शख्स के दिल में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है कि जी जो इसमें मुख्य आरोपी है जिसको अब तक बताया जा रहा था, अचानक से वो कैसे मतलब उसको क्लीन चिट दे दी। जी जी